जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीज़ों के ई नंबर के मतलब इशू चल रहा था पाकिस्तान में, आपको पता है वीज़े वकाला नहीं बन रहा, ई नंबर नहीं निकल रहा या वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है। इसके मतलब हमने एक प्रॉपर वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की कि अभी एम्बेसी ओपन हुई ईद के 5-7 दिन के बाद, तो एक हफ्ता 10 दिन वेट करें यार, अच्छे रिजल्ट आएंगे। भाइयों ने मुझे बहुत से भाई नेगेटिव कमेंट भी किए कि यार तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता है नहीं है। बहरहाल जी, अभी वही भाई मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं जी कि भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ई नंबर निकल चुका। बात करेंगे इस वीडियो में हरूब के मतलब। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा था, अभी ई नंबर का इशू खत्म हुआ है और हरूब का मसला शुरू हो गया है। मसले से मुराद ये है कि अच्छी खबर है, बकौल ये आपको सुना देता हूँ मैं, आप सुन ले देख लें। बकौल भाइयों के भाई साए खास आमर मंजिली के, पहले आपको पता था तमाम महीने वाले जितने भी हैं सबके हरूब खत्म किए थे सऊदी गवर्नमेंट ने 60 दिन के लिए, कि 60 दिन में या तो खरूज चले जाएं या अपने हरूब आपका हरूब खत्म है, 60 दिन में अपनी कंट्री वापस चले जाएं या नकल कफाला लेकर किसी नए कफील के पास चले जाएं। 60 दिन का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में हमने बहुत वर्क किया और बहुत से भाइयों को मैं यकीन कीजिए अपने हाथ से पकड़ कर ना बाजू से सफारा में लेके गया, भाई ये रखा सफारा और अपना काम करवा घर जा। सफारा वाले भी अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम, 2-4 दिन 5 दिन में खरूज लगा रहे थे। अभी भाई को भी महीनों के हिसाब से टाइम बता रहे हैं। और अभी सायखा उस वक्त ना सायखा सामर मंजिली के मतलब ये इशू नहीं था, यानी कि उनके मतलब ये ऑर्डर नहीं थे। अभी भाई मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, मैं आपको कमेंट सुना भी देता हूँ। जो भाई इस मसले से 2-4 हैं, अपनी राय मुझे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ इसमें ज़रूर दीजिएगा, दूसरे भाइयों का भला हो जाता है यार। अच्छा बात यह है कि भाई ने मुझे कमेंट किया गया, ये भी आपको सुना देता हूँ मैं। साए खास आमर मंजिली के हरूब के मतलब, आपको पता है साए खास आमर मंजिली का ऐसा हरूब है जो कफील के बगैर ख़त्म नहीं होता है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर मैं लंबी लंबी छोड़ने लग जाऊँ जी कि हाँ एजेंट के थ्रू मैं करवा दूंगा जी, या वो बंदा करवा देगा या वो करवा देगा, वो झूठ के मुतरादफ होगा, यानी कि झूठ ही होगा मैं अगर सिंपल अल्फाज में बोल दूँ तो। क्योंकि देखें कुछ बातें फिर सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर नहीं बोली जाती हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि आपको पता है जो इलीगल काम है वो बहुत से हर काम का कोई ना कोई हल तो होता ही है, लेकिन काम जो भाई गवर्नमेंट की तरफ से लीगल हो वही बेस्ट है, वही कीजिए, उसी में बेहतरी होती है बंदे की। इलीगल काम में भाई फ्रॉड होने का भी खतरा है, आपके पकड़े जाने का भी खतरा है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं। पर जो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे भाई रابطے में रहते हैं उनके मतलब उनको तो इस चीज़ इन चीज़ों के मतलब मैं बखूबी आगाह करता रहता हूँ। बहरहाल आपको एक मैसेज मैं सुना देता हूँ, फिर आपको इसके मतलब मैं थोड़ी डिटेल बताऊँगा, आप अपनी राय भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। अजी वैसे सुन लिया, साई खास आमर मंजिली के हरूब शो नहीं हो रहे हैं। सिंपल आपने अपने मोबाइल से, आपको पता है तमाम प्रदेशों का भी इस वेबसाइट के मतलब पता है, मैं इसके मतलब वीडियो भी लगा चुका था। MOI, सिंपल MOI लिखना है या वजारत अमल लिख लें, ठीक है, सर्च करें, पहली वेबसाइट शो हो जाएगी वजारत मवाद अल बशरिया। इसके मतलब डिटेल से मैं आपको बाकायदा चेक करके कल या परसों की वीडियो लगा दूंगा, साथ में समझा भी दूंगा आपको चेक करने का तरीका फिर भी एक वीडियो में। बहरहाल बहुत से भाई जानते हैं। अच्छा वजारत मुबादला बशरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है, पेज आपके सामने ओपन हो गया, वहाँ पर इकामा नंबर डालना है, अपने इंग्लिश में कर लें, इकामा नंबर लिखा है, इकामा नंबर डालें, नीचे अपनी कंट्री डालें, पाकिस्तानी या इंडियन बांग्लादेशी जो भी आप हैं जी, नीचे जो कोड लिखा होता है वहाँ पर कोड लिखे, सर्च करें, आपके सामने आपकी कंपनी का और आपका पूरा रिकॉर्ड शो हो जाता है। कैसे, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी ग्रीन है या रेड है, आप इस वक्त ऑन दी जॉब हैं या मुतगईब अन अमल हैं, यानी कि हरूब तो नहीं है या आप ऑन दी जॉब हैं, दोनों में से क्या चीज़ है, सिंपल अपना चेक कर सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अभी रही हरूब के मतलब बात, क्या हरूब वाकया ही खत्म होना शुरू हो चुके हैं या ये कोई ऐसे भाइयों को एक ट्रेंड चल पड़ा है? नहीं तो भाई, इसके मुतल्लक मैं उस वक्त तक कोई भी कन्फर्म नहीं बात कर सकता जब तक जवाबात वजारत खारजिया, वजारत दाखिलिया या वजारत मुबादल बशरिया की तरफ से कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आ जाती है। जवाबात या वजारत मुबादल बशरिया वगैरह की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। अगर कोई बंदा आपको दिखा रहा है तो वो पुरानी दिखा रहा है, जो आज से पहले 60 दिन का टाइम मिला था वो वाली, तो अभी तक कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। अगर कोई कन्फर्म न्यूज़ आई तो इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।